और डिलीवर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुम भी आए। हाय बोलो, हाय बोलो। डिलीवर कर दिया और लीफ को डाउन कर रहा हूँ। लीफ अभी तक आ नहीं रहे हैं, वेट कर लेता हूँ, शायद आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से ब्लॉगिंग के लिए निकला हूँ। और ब्लॉग नहीं बनाने का कारण यही था कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक का रेड रोड में। तो बहरहाल मैं अभी ठीक हूँ, बहुत दिनों से रेस्ट में था और बहुत सारे रिक्वायरमेंट, बहुत सारे फ़ोन कॉल और मैसेज भी आ रहे थे कि भाई आपका वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं। तो रेस्ट के बाद अभी मैं फिट फाट हूँ, तो अभी फ़िलहाल बाइक चला रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के दौर से। और सेफ्टी के लिए आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, जो भी बाइक टैक्सी चलाते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था एक ब्रेकेटिंग से। टैक्सी वाले ने ब्रेकेटिंग में मारी और ब्रेकेटिंग हमारे बाइक के सामने चला आया और हमारी बाइक की स्पीड उस वक्त 50 से 60 का होगा। तो बहरहाल जो भी हो, आप देख सकते हो इमेज में थोड़ी सी चोटें आई थी, लेकिन फिर से मैं तैयार हूँ ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहला पोर्टर में आज का बुकिंग ले लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है हमारा गोप्रो हेलमेट। और ये छोटा सा एक पैकेज है पोर्टर में। तो उबेर की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उबेर वाले को बोलूं कि अगर मादर चौदों में अगर कंपटीशन लगे तो उबेर वाले का नंबर सबसे पहला आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाइक चलाते चलाते बात करते हैं हम। पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और कोई बात नहीं, मेरे पास स्टॉक में रहता है इमरजेंसी के लिए। तो पहले मैं इसे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी इस तरीके से पेट्रोल अगर लेकर चलना चाहो तो चल सकते हो, इमरजेंसी के लिए बहुत ही काम आती है। और ये है 4 नंबर ब्रिज पार्क सर्कस के, दुनिया का सबसे खतरनाक क्रॉसिंग। यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मानता, कोई भी नियम और कानून नहीं मानता, गुंडा राज चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर 4 नंबर पार्क सर्कस ब्रिज के पास आओ तो थोड़ा सतर्क होकर चलना। कहना यही चाह रहा था कि अभी तो मैं फिट हूँ और आज का राइड भी, जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्ट कर चुका हूँ, लगभग 20 दिन से मैं रेस्ट में था और अभी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग यार बड़ा ही जिद्दी लोग हैं, कभी भी मैदान पे उतर जाते हैं। घोड़ा जितना जख्मी होगा उतना ही तेज भागेगा। तो अब कहना चाहूँगा कि आप लोग सोच लोगे कि मैंने अपने वीडियोस में उबेर वाले को गालियाँ क्यों दी। गालियाँ देने की रीज़न ये है कि यार वो 35% माइनस कर रहे हैं हमारे अकाउंट से। 35% एक मायने रखता है। हम लोगों की तेल रहती है, पेट्रोल और बाइक भी, और खुद का मेहनत भी, और बहुत सारे रिक्स भी। उबेर गांडू सिर्फ एक बटन दबाकर 35% लेते हैं, तो सोचिए दोस्तों हमारा कितना होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उबेर चलाने से बेहतर है कि आप चेन्नई बेच लो या फिर इस प्रोफेशन को चेंज कर लो। अब इस प्रोफेशन में कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं बचा। बस कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वही चल रहा है दोस्तों। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने प्रोफेशन को चेंज करूँ। चलाऊँगा, थोड़ा बहुत चलाऊँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलाऊँगा, बस ब्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों को सतर्क करने के लिए, बताने के लिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए मैं ब्लॉग बनाया करूँगा, थोड़ा बहुत चलाऊँगा। क्योंकि ओला थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक फेयर दे ही देते हैं, लेकिन यार उसका घंटी तो 1-2 साल के बाद ही बजता है, तो उतना वेट भी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना।
क्योंकि कस्टमर उसी को ज़्यादा यूज करते हैं जिसमें सबसे कम फेयर दिखाते हैं, कम भाड़ा दिखाता है। और ये दूसरा क्वार्टर में हमारी बुकिंग आ चुकी है, ये छोटा सा पैकेट है और इस वक्त मैं लिफ्ट में हूँ, तो इसे डिलीवर करते हैं। कस्टमर ने मुझे बोला कि फेयर बढ़ाकर दूंगा, यानी कि 19 रुपीज़ दिए हैं। और डिलीवर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुम भी आए, हाय बोलो, हाय बोलो। डिलीवर कर दिया और लिफ्ट को डाउन कर रहा हूँ, लिफ्ट अभी तक आ नहीं रहे हैं, वेट कर लेता हूँ, शायद आ गया है लिफ्ट। और मैं इस लिफ्ट में आ गया हूँ वापिस, कहाँ जाना है, 0 ग्राउंड। ये मैंने ग्राउंड का एरिया, काफ़ी सुंदर लिफ्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं जरा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू। तो दोस्तों मैं अभी 2 राइड किए हैं और भी मैं अभी सारा दिन बाकी है, बहुत सारे राइड करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि पोटर में कोई झोल झमेला भी नहीं होते हैं और फेयर का कोई इशू भी नहीं होता है। तो मैं पोटर आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप पोटर भी चलाया करो, बाकी अदर ऐप में कुछ रखा नहीं है। तो दोस्तों मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने वीडियो से आप लोगों तक ऐसे इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप लोग अगर काम कर रहे हो इस लाइन पर, इस बाइक टैक्सी के रिकॉर्डिंग, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो अभी तक के लिए मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन था, तो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में मेंशन किया है। और कहना चाहूँगा कि जो हमारे वीडियो पे पहली बार विज़िट कर रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज की हमारी ब्लॉग अगर अच्छी लगे हो तो हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं वो हमें तो वैसे भी बहुत प्यार देते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना और एक कॉमेंट भी कर देना कि आज की हमारी ये ब्लॉग, बहुत दिनों के बाद एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं आज ज़िद्दी की तरह आ गया हूँ यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कैसे लगे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे आपको कि उबेर ऑफिस का भी घेराव हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।